आज का मेरा टॉपिक है कि स्टडी इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कंट्री दे विच बहुत कैंडिडेट स्टडी करना चाहते हैं, इवन कि साउथ कोरिया विच सेटलमेंट भी होना चाहते हैं। की तुसी साउथ कोरिया विच स्टडी कर सकते हो ते तुहानू किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए जे तुसी साउथ कोरिया दे विच स्टडी करना चाहते हो। जिहड़े कैंडीडेट नूं आर्ट्स दे विच स्टडी कीती है, पंजाबी मीडियम दे विच स्टडी कीती है जां हिंदी मीडियम दे विच स्टडी कीती है, उह साउथ कोरिया दे विच विदाउट आईलैट्स अप्लाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट उन्हां दे 5.5 बैंड ही चाहे क्यों ना हो। जो कैंडीडेट ने प्लस टू नॉन मैडिकल च कीती है जां कमर्स च कीती है, किसी भी तरह की कोई भी स्टडी कीती है बट उह इंग्लिश मीडियम दे विच है, उह विदाउट आईलैट्स अप्लाई कर सकती है। सब तो पहला डाउट तुहानूं क्लीयर हो गया। सो दूजा जिहड़ा डाउट है वह डाउट यह है कि जो आप साउथ कोरिया दे विच अप्लाई करना है आपू सब तो जो असेंशियल डाकूमेंट ने वह कि होने चाहिए है। अकैडमिक डाकूमेंट, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो या MOI LOR एक नॉर्मल डाकूमेंट ने जेडे कि हर एक कैंडीडेट के कोल होंगे ने। बट जो सब तो अहम डाकूमेंट है, जो सब तो महत्वपूर्ण डाकूमेंट है, जरूरी डाकूमेंट है, वह है थोड़ी बैंक की स्टेटमेंट। बैंक के 7 से लेकर 8 लाख रुपया बैलेंस होना जरूरी है, जो जिस बैंक की ट्रांजैक्शन या आप कह सकते हैं स्टेटमेंट होनी जरूरी है। थोड़े पेरेंट्स के अकाउंट के थोड़े अकाउंट के बैलेंस हो, फ्रैश फंड भी चल जाऊगा। इस दे नाल नाल तुसी साउथ कोरिया दे विच अप्लाई कर सकते हो। हुण जिवें कि आपां कहांगे कि छोटी जी इंटरव्यू हुंदी है जी, वह एप्लीकेशन फीस है जां वो है, वह गल्लां सारियां ही बाद दीआं। सब तो मेन चीज़ जिहड़ी मैं तुहानूं दस चुके हैं कि जे तुसी पंजाबी मीडियम दे विच स्टडी कर रहे हो दैन तुहाडी आईलैट्स होनी जरूरी है। जे तुसी इंग्लिश मीडियम के ऑलरेडी की है दैन तुम विदाउट आईलैट्स अप्लाई कर सकते हो। बट एक ध्यान रखने योग गल है, थोड़े परसेंटेज 60 तो अबव होने जरूरी है। 50% वाला कैंडीडेट अप्लाई नहीं कर सकता। एंड जो लैंग्वेज कोर्स है, लैंगुएज कोर्स से तुम जा सकते हो। लैंगुएज कोर्स की जो फीस होती है वो नीयर अबाउट 1.5 से लेकर 2 लाख रुपया फीस होती है। तुम लैंगुएज कोर्स से वर्क नहीं कर सकते, थोड़े को वर्क करने की परमिशन राइट थोड़े को नहीं होंगे, बट सारे कैंडीडेट ही वर्क करते हैं उत्ते। एंड एक चीज़ होर, इस लैंगुएज कोर्स के नाल तुसी अपने स्पाउस नू नाल नहीं नाल लेके जा सकते। जे तुसी अपने स्पाउस नू नाल लेके जाना चाहते हो, तुसी अपनी जो स्टडी कंप्लीट की है जां तुसी उन्हूं लैंगुएज नूं कंप्लीट करके तुसी बैचलर दे एडमिशन लैके फिर तुसी इनवाइट करो, जां तां तुसी इत्थों इंडिया तों ही बैचलर दे विच जां मास्टर दे विच जां। मेरे कहने दा मतलब सिर्फ ये है कि तुसी मेन कोर्स च एडमिशन